प्यारे बच्चों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आज हम पाठ पढ़ेंगे वीरों की पूजा। बच्चों, इस कविता के लेखक हैं, रचयिता हैं श्री श्याम नारायण पांडे जी। तो बच्चों, ये कविता प्रश्न उत्तर के आधार पर लिखी गई है, यानी कि इसमें आधी पंक्तियां जो हैं कविता की वो प्रश्न के रूप में हैं जो एक भक्त से की जा रही हैं, और आधी कविता में कवि द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब दिया जा रहा है भक्त के द्वारा। तो बच्चों, कवि कहता है कि एक व्यक्ति जो थाल सजा करके उसमें पूजा की सामग्री लेकर कहीं चित्तौड़ की ओर चला जा रहा है, उसे देख करके कवि जो प्रश्न करते हैं उस प्रश्न को इस कविता में लिखा गया है। कवि कहता है कि हे सन्यासी, हे मतवाले सन्यासी, तुम थाल सजाकर और राम नाम का पीतांबर डाल करके अपने शरीर पर कहाँ जा रहे हो? तुम इतनी मस्ती से झूमते हुए चले जा रहे हो, क्या कहीं अपना रास्ता भूल आए हो? और ये बताइए कि तुम्हारा दीपक कहाँ जलेगा, कहाँ तुम अपना दीपक जलाओगे और कहाँ तुम्हारी ये माला और फूल चढ़ाए जाएंगे? क्योंकि इधर न तो प्रयाग है और न इधर गंगा सागर है, न इधर रामेश्वर है और न काशी है, क्योंकि इधर कोई तीर्थ है ही नहीं, तो तुम इधर कहाँ चले जा रहे हो? तो कवि कहता है, कवि जब ने प्रश्न पूछता है उस भक्त से, तो सन्यासी कहता है कि मुझे न तो गंगा सागर जाना है और न रामेश्वर काशी जाना है, मुझे सभी तीर्थों के राजा चित्तौड़ को देखने को मेरी जो आँखें हैं वो तरस रही हैं। जहाँ आपने स्वतंत्र किले पर शत्रु की ललकार सुन करके जवानों की टोलियाँ हाथों में नंगी तलवार लेकर निकल पड़ी थी, और जहाँ अपनी आन की यानी कि सम्मान की रक्षा के लिए माताओं और बहनों ने अपने जीवन की होली जलाकर अपने प्राण दाह कर लिए थे, और बड़े जोश में आकर बड़े गर्व से माता की जय बोलते हुए वो अपने प्राण निछावर कर गई थी, जहाँ पर सुंदरियों ने अपने देश की रक्षा के लिए जौहर व्रत को करना सीखा था, जहाँ आज़ादी के लिए बच्चों ने मरना सीखा था, और जहाँ की महारानी पद्मिनी जौहर व्रत करती थी, जो अपनी सम्मान रक्षा करने के लिए चिता की आग में जलकर भस्म हो गई थी, बस में क्षण भर के लिए उसी की समाधि पर बैठकर ये दीपक जलाने के लिए जा रहा हूँ। तो भक्ति कह रहा है कि हे कवि, मैं वहीं जा रहा हूँ, उन्हीं सतियों के जो पद थे उनकी चरणों की जो धूल है मैं उसे लेने के जा रहा हूँ, और वहीं पर ही हमारा दीपक जलेगा और वहीं पर हमारी ये फूल और माला चढ़ाई जाएंगी। तो बच्चों, इस प्रकार से कवि और भक्त के सवाल जवाब के माध्यम से इस कविता को लिखा गया है, जिसमें भक्त के द्वारा उन क्षतियों की, उन वीरांगनाओं की बात को दोहराया गया है कि जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जौहर व्रत किया था, और वे जिंदा ही अपनी सखियों के साथ अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। धन्यवाद।